हाँ जी, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स में कंफ्यूज हैं? कोई बात नहीं, समझा देंगे। हेलो, मेरा नाम है ऋषान डेला और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिंक्स की, हाइपर लिंक्स की, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स की। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिंक्स क्या होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी वेब पेज के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, आप किसी पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको पूरे टेक्स्ट के अंदर एक ब्लू कलर का एक टेक्स्ट दिखाई देता है, जिसके ऊपर क्लिक करने पर आप कहीं और किसी और पेज के ऊपर, किसी और पोस्ट के ऊपर, किसी वीडियो के ऊपर, किसी फोटो के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लिंक्स। तो बेसिकली लिंक्स क्या होते हैं? हाइपर लिंक्स होते हैं, जो आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी और पोस्ट के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर। और इन्हीं लिंक्स को हमने, जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। देखिए, पहले समझ लेते हैं इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम में आ रहा है उसके, इंटरनल लिंक्स, दैट मीन्स वो इंटरनली यूजर को रिडायरेक्ट करेगा। मतलब मैं अगर अपने ही किसी पोस्ट के ऊपर या अपने ही किसी पेज के ऊपर कोई लिंक लगाऊं जो कि रिडायरेक्ट करे यूजर को मेरी ही दूसरी वेबसाइट, मेरी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के ऊपर या किसी पोस्ट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंक्स, जो कि वेबसाइट के अंदर ही रीडायरेक्ट करता रहे, एक यूजर को एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर लेके चला जाए या फिर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर लेके चला जाए, लेकिन सेम वेबसाइट के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। और एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं, वो बिल्कुल उसके नाम जैसा ही है कि वो किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेज पर यूजर को लेके चला जाए। मतलब मैंने अपनी वेब पेज या वेब पोस्ट के ऊपर कोई एक लिंक लगाया जो यूजर को किसी दूसरी वेबसाइट के किसी पेज पर लेके जा रहा है आउटसाइड माई वेबसाइट, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और उसे प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए, ये मेरा वर्डप्रेस का एक पोस्ट है, मेरी वेबसाइट का एक पोस्ट है, ब्लॉग है बेसिकली, जिसे मैं क्रिएट कर रहा हूं और इसके अंदर मैं अपने ही दूसरे ब्लॉग का लिंक डालूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा एक दूसरा ब्लॉग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप 10 हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया फॉर 2025। ठीक है, ये वाला लिंक जो है, इसका URL ये है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर इस URL को, और मुझे इसको इसमें ऐड करना है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखा दूं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर स्कोर पर जाते हैं, जो कि है रैंक मैथ का स्कोर, जो आपको SEO स्कोर देता है, इसके अंदर अगर आप एडिशनल फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, दैट मीन्स कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स नहीं लगे हुए हैं इसमें, और इंटरनल लिंक्स भी लगे नहीं हुए हैं। देखो, क्रॉस आ रहा है इसके ऊपर, एड इंटरनल लिंक्स। तो पहले मैं इंटरनल लिंक लगा रहा हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर इसको हाई पेइंग जॉब्स वाला जो आर्टिकल है, इसका लिंक लगाना है। मैं कोई भी एक वर्ड चूज कर लेता हूँ, सपोज कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मुझे ये लिंक लगाना है, तो मैंने उस वर्ड को चूज कर लेना है, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइट करेंगे उस वर्ड को, और आपको यहां पर ऊपर एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद उस लिंक को यहां पर पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा, यहां पर देखिए दिखा रहा है कि इंटरनल जो लिंकिंग है वो लग चुकी है ना, ये ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और, जिस वर्ड के ऊपर हम इस लिंक को लगाते हैं उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, इसको भी याद रखिएगा। एंकर टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर हम कोई लिंक ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम एंकर टेक्स्ट। ओके, ये देखिए इंटरनल लिंक लग गया और इस तरह से हम इसे पब्लिश कर देंगे। यहां से जैसे ही सेव करूंगा ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा इंटरनल लिंक हो गया। एक्सटर्नल लिंक अगर मुझे लगाना है तो देखिए, ये मेरी एक दूसरी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है, डॉग्स, अबाउट डॉग्स, जो कि मेंस के मैन बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे। सपोज इसका लिंक मैं अपनी इसी वाले वेब पेज में लगाता हूं, तो अभी देखिए एक्सटर्नल लिंक को ये क्रॉस दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसको इस वाले मेन, मैं किसी और वर्ड के ऊपर लगा लेता हूं, यहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस ये एक वर्ड है, इसके ऊपर मैं इस एक्सटर्नल सोर्स जो मेरा लिंक था उसे लगा देते हैं यहाँ पर। ये मैंने लिंक करा, एंटर किया, एंड डन। ये देखिए हो गया, एक्सटर्नल लिंक भी हो गया, इंटरनल लिंक भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ब्लॉग के ऊपर, कोई भी पोस्ट के ऊपर, किसी भी वेब पेज के अंदर इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स को लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।